العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم فرع على كونه معيارا فقال فيصير غيره منفيا أي لما كان شهر رمضان معيارا للصوم يصير غير الفرض منفيا في رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان ولا تشترط نية التعيين بأن يقول بصوم بصوم غد نويت بفرض رمضان لان هذا التعيين لان هذا التعيين انما شرع في الصلاه لكون وقتها ظرفا صالحا لغيرها ايضا وهو منتف هنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا بد من تعيين النيه قياسا على الصلاه وقال زفر رحمه الله تعالى لا حاجه الى اصل النيه ايضا لانه متعين بتعيين الله تعالى व़ैर अवसत वह हुआ फ़ीमा क्लना और फिर इस बात पर के वक्त मैार हैफ़ रफरी करते हुए फ़रमाया किर मक्त का गैरमन अमर अमर मु... अमर मक्त का गैर मुंतफी हो जाएगा यानि जब रमज़ान का महीना रोज़े के लिए मैार है तो रमज़ान में गैर फ़र्ज़ रमज़ाननतफ़ी हो जाएगा जैसे कि रसोल्ला वल्म ने फरमाया कि जब सामान का महीना ख़त्म हो जाए तो रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा नहीं है और तयन की नीयत शर्त न होगी बी तौर के कहे कि मैंने कल आइंदा फ़र्ज रमज़ान की नीयत की है क्योंकि ये तय नमाज में इसलिए मशरू की गई है कि वक्त ज़रफ़ है गैर वक्ती की भी सलाहियत रखता है और वह यहाँ मुनतफ़ी है और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतल्ह ने फरमाया कि नमाज़ पर कयास करते हुए तयन नीयत ज़रूरी है और हज़रत इमाम फ़र रहमतल ने फरमाया कि असल नीयत की भी ज़रूरत नहीं है इसलिए कि वो अल्लाह के मुतन करने से मुतन है और दरमि की चीज़ बेहतर होती है और दरमियान उसी कौल में है जो हमने बयान किया है अज़ीज़ तलबा कराम साहिब नरूल अनुार फ़रमाते हैं कि वक्त चूँ रोज़ा के लिए मैार है इसलिए मुसनफ़ ने उस पर तफरी बयान करते हुए फ़रमाया कि रमज़ान के महीने में ग़ैर रमज़ान का रोज़ा मशरू नहीं होगा बल्कि उसमें सिर्फ़ रमजान का रोज़ा मशरू होगा जैसे कि खुद साहिब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है कि जब शाबान का महीना ख़त्म हो जाए तो रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा नहीं रखा जा सकता चुनाची अगर कोई शख्स रमज़ान में नफल या वाजिब आखिर के रोज़े की नीयत कर ले तो रमज़ान का रोज़ा अदा होगा नफल या वाजिब आखिर का रोज़ा अदा ना होगा क्योंकि उसने असल सोम की नीयत की है और वस्फे सोम यानि नफल या वाजिब आखर की नीयत की है और वक्त यानि रमज़ान सिर्फ़ असल सोम की सलाहियत रखता है और वस्फ यानि नफल या वाजिब आख़र की सलाहियत नहीं रखता इसलिए वस्फ बातिल हो जाएगा और असल सोम बाकी रहेगा और असल सोम की नीयत से रमज़ान का रोज़ा चूँकि अदा हो जाता है इसलिए नफल या वाजब आख़र की नीयत से भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा इसलिए नफल या वाजिब आखर की नीयत से भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा साहिब मनार फरमाते हैं कि रमजान का महीना चूँकि रोज़े के लिए मैार है इसलिए रमजान में रोज़ा रखने के लिए तयन की नीयत करना भी शर्त नहीं है यानी दिल या ज़ुबान से यह ये कहना ज़रूरी नहीं कि मैं कल आइंदा रोज़ा रमजान का रोज़ा रखूँगा बल्कि सिर्फ़ ये कहना कि मैं कल आइंदा रोज़ा रखूँगा काफ़ी है ये कहना ज़रूरी नहीं कि मैं कल आइंदा रमज़ान का रोज़ा रखूँगा बल्कि सिर्फ ये कहना कि मैं कल आइंदा रोज़ा रखूँगा काफ़ी है दलील है कि नमाज में तयम की नीयत करना इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है कि नमाज का वक्त ज़र्फ़ होने की वजह से वक्ती नमाज के अलावा गैर वक्ती नमाजों की भी सलाहियत रखता है यानी गैर वक्ती नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं लिहाजा वक्ती नमाज को मतिन करने के लिए तयम की नीयत करना शर्त करार दिया गया है और रमजान के महीने के मैार होने की वजह से चूंकि इसमें गैर रमजान का रोज़ा मशरू नहीं है बल्कि सिर्फ़ रमज़ान का रोज़ा मशरू है इसलिए यहाँ तयन की नीयत शर्त क़रार नहीं दी गई है हजरत इमाम में शाफ़ी रहमत ला ने फरमाया कि नमाज़ पर कयास करते हुए रमजान के रोज़े में भी तयन की नीयत करना शर्त है हज़रत इमाम शाफ़ी रमतल की दलील ये है कि अगर रमज़ान का रोज़ा असल सोम या सोम नफल या सोम वाजिब आख़र की नीयत से अदा हो जाए जैसा कि अहनाफ़ कहते हैं तो बंदे का सिफ़त इबादत में मजबूर होना लाजिम आएगा इस तौर पर कि बंदा किसी भी ुरबत यानी किसी भी रोज़े के लिए अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोके इस तौर पर के बंदा किसी भी कुर्बत यानी किसी भी रोज़े के लिए अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोके लेकिन वो इबादत मफरूज़ा यानी रमज़ान के रोज़े के लिए ही रोकना होगा अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोके लेकिन वो इबादत मफरूज़ा यानी रमज़ान के रोज़े के लिए ही रो 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 रोकना होगा ख़ा बंदा उसको चाहे खा ना चाहे यही जब रहे हालांकि इबादत वग़ैरह में बंदा मजबूर नहीं होता बल्कि मुख्तार होता है बस साबित हुआ कि रमजान का रोज़ा रमज़ान में भी उसी वक्त अदा होगा जबकि बंदा रमजान का रोज़ा मुतन करने की नीयत करें असल सोम या सोम नफल या सोम वाजिब आखिर की नीयत से रमज़ान का रोज़ा अदा न होगा हमारी तरफ़ से इसका जवाब ये है कि रमज़ान का महीना रमज़ान के रोज़ों के लिए मिन जानबिल्ला मुतन है क्योंकि रमज़ान में सोम रमज़ान के सिवा कोई दूसरा रोज़ा मशरू नहीं है बस जब कोई शख़्स मुतलक़ सोम की नीयत करेगा तो रमज़ान का रोज़ा मुतन हो जाएगा और इतलाक़ नीयत के बावजूद तयन हासिल हो जाएगी मल अगर मकान में सिर्फ़ खालिद हो और आप उसको ए इंसान कहकर निदा दें तो इस निदा से ख़ालिद ही मुतन होगा और ख़ालिद को ये कहने का हक़ ना होगा कि हुजूर आपने मुझको नहीं पुकारा है इसी तरह जब रमज़ान में रमज़ान का रोज़ा जानबिल्ल मतन है तो नीयत के ज़रिए इसको मुतन करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुतलके सोम की नीयत के बावजूद भी रमज़ान ही का रोज़ा मुतन होगा हज़रत इमाम फ़र रहा ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े के लिए असले सोम की नीयत भी ज़रूरी नहीं बल्कि अगर कोई बिल्कुल नीयत ना करे और रमज़ान में रोज़ा रख ले तो भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह आल की दलील ये है कि रमज़ान का रोज़ा अल्लाह के मुतय्यन करने से मुतय्यन हुआ है लिहाजा रमजान के दिन में तंदरुस्त मुकीम की तरफ से जो भी इमसाक खाने पीने जिमा से रुकना वाक़ होगा वह सौम फ़र्ज यानी रोज़ रमज़ान ही से वाक़ होगा अगरचे कोई नीयत न की हो बहरहाल ये साबित ये बात साबित हो गई कि रमज़ान का रोज़ा अदा करने के लिए असल नीयत की भी ज़रूरत नहीं है हमारी तरफ़ से इसका जवाब यह है कि मुतलकन इमसाक खाने पीने और जिम करने से रुकना सोम रमज़ान के लिए मुतिन नहीं है बल्कि जो कुरबत और इबादत होगा वही सोम रमज़ान के लिए मुतिन होगा और कोई चीज़ बग़ैर नीयत केरबत और इबादत नहीं हो सकती लिहाजा को कोबत और इबादत बनाने के लिए नीयत करना ज़रूरी होगा बस साबित हुआ कि रमज़ान के रोज़े के लिए असल नीयत ज़रूरी है बग़ैर नीयत रमज़ान का रोज़ा दुरुस्त ना होगा अहनाफ़ की दलील ये है कि रसूल अक्रम फरमाया है कि दरमिया चीज़ बेहतर होती है और दरमिनी होना अहनाफ़ के कौल में मतहक होता है क्योंकि अहनाफ़ ना तो ये कहते हैं कि असल नीयत ही की ज़रूरत नहीं है जैसा कि हमारे एक बुज़ुर्ग इमाम फ़र कहते हैं और ना ये कहते हैं कि तयन नीयत ज़रूरी है जैसा कि हज़रत इमाम शाफ़ी शाफ़ फरमाते हैं बल्कि ये कहते हैं कि तयन नीयत तो ज़रूरी नहीं है अलबत् असले नीयत तो ज़रूरी है وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.